मध्य प्रदेश के सागर के देवरी नगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पार्षद जीतते नजर आ रहे हैं और अध्यक्ष हारती नजर आ रही। खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है। कलेक्टर ने 4 सितंबर को एक सम्मेलन आहूत किया है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर अपर कलेक्टर को बनाया गया। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 का की उपधारा 1 के तहत देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 4 सितंबर को 12:30 पर किया जाएगा। यह सूचना डाली गई है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। बाकायदा एक लेटर जारी हुआ है, जो कलेक्टर कार्यालय से जारी हुआ है। बीते दिनों 20 अगस्त को देवरी के पार्षद, जिनकी संख्या 12 थी, वो सागर कलेक्टर से मिले थे। कहा था कि उन्होंने 3 साल में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। सरकार के इस नियम बनने से 4 दिन पहले सागर कलेक्टर को शपथ पत्र दिए थे, जो अलग अलग पार्षदों के थे, जिनकी संख्या 12 थी और टोटल नगर पालिका में पार्षदों की संख्या 15 है। लिहाजा अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। सियासी हलकों में यह बड़ी खबर है। अब राजनीति यहीं से शुरू होगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज का दावा है कि जो वर्तमान अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन है, उन्हें हटाना इतना आसान नहीं है। खबर है कि नेहा अलकेश जैन प्रहलाद पटेल गुट से आती है और कहीं ना कहीं यह कार्रवाई टाली भी जा सकती है। बहरहाल कलेक्टर ने आदेश दिया है, जिसको लेके पार्षदों में उत्साह जरूर देखा जा रहा है। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।